काफ़ी सारी बर्फबारी हो गई थी, तो सिकंद में बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ तक गुन्नू तक बर्फ़ पड़ी थी, तो हर तरफ एक ज़बरदस्त मंजर हो गया था। तो हम खुशी से यहाँ टहलते थे, आगे पीछे जाते थे, लेकिन इस साल बर्फबारी नहीं हो गई, सो सिकंद में रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। बस सिकंद में अमन है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे डिस्टर्बेंस हो जाए। बहुत पुरामन इलाका है, सर्दियों में रहने के लिए अच्छी बात है कि हम पुरसकून तरीके से रह सकते हैं। ठंड थोड़ी सी हुई लास्ट ईयर की नस्बत, इस दफ़ा ठंड बहुत कम हो गई, क्योंकि बर्फबारी नहीं हो गई इसलिए ज़्यादा ठंड भी नहीं हो गई। तो हम यहाँ पे उस वक्त टहला करते थे, वहाँ हम स्कूल तक भी गए थे और वहाँ ऊपर भी हम गए थे, तो हमने वीडियो भी शूट किए थे। लास्ट टाइम भी हमारे देवसाई टाइम जीवी में आपने देखा होगा, हमने स्की भी खेली थी और उसके भी वीडियोस हमने डाले थे। तो इस दफ़ा देखिए बिल्कुल खुशक है, बिल्कुल कोई वो नहीं है ना, यहाँ पे दरख्तों में तो पत्ते वैसे भी होते नहीं, मौसम सरमा में सारे दरख्त गंजे हो जाते हैं। तो हमारे बैक साइड पे मंथल है, वहाँ बुद्ध भी बने हुए हैं, लास्ट टाइम हम गए थे तो आपको दिखाया भी था। तो में जो लोग गए थे डाउन में, पंजाब में, सिंध में, कराची, तो अभी लौट के आने का मौसम हो गया है। रोज़ाना मामूल के तहत लोग आ रहे हैं, स्कूल भी अभी खुलने वाले हैं, तो एक दफ़ा फिर से इस शहर में रौनक बढ़ रही है। सर्दियों में तो थोड़ी सुनसान हो जाती है, लेकिन फिर भी वी लव टू लिव इन सिकंद, इन जीवी, हमारा जीवी। सर्दियों में आए या गर्मियों में आए, आप बहुत अच्छी जगह है। सर्दियों में जो नेचुरल ब्यूटी है, आप देखें पहाड़ के व्यूज देखें, वहाँ पर वहाँ भी पहाड़ में देखें बर्फ़ भी थोड़ी सी पड़ी। इस दफ़ा बर्फबारी ज़्यादा नहीं हुई इसलिए थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी है। सर्दियों में ज़ाहिर बात है थोड़े मसाइल तो बढ़ेंगे, पानी कम आएगा तो आबादी जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा सा इम्पेक्ट इसका पड़ेगा। तो कुछ लोग मन्नतें मांगते हैं कि बर्फ़ ना पड़े, और हम जैसे लोग हर मौसम को वेलकम कहते हैं, कुदरत की हर नियमत को हम वेलकम कहते हैं, और हम दुआ भी करते हैं कि खुदा हमें बर्फ़ भी नसीब करे, हमें बहार भी, और हमें बारिश भी, हमें धूप भी, हमें छाँव भी, हमें गर्मी भी, हमें सर्दी भी। तो नेचुरल जो ब्यूटीज़ हैं या कुदरत के जो नेचर के जो गिफ्ट्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट किया करें और उनको इन्जॉय करना सीखें, तो आप ज़िंदगी में हैप्पी रहेंगे, कभी उदास नहीं होंगे, आपको गम नहीं होगा। बजाय इसके कि हम ठंड को कभी ठंड को नापसंद करेंगे, कभी हम गर्मी को नापसंद करेंगे, किसी को बाहर से चिड़ है तो किसी को खजान से चिड़ है। ये इंसान वो भी एक खूबसूरती है, चलो आप इख्तलाफ करते हैं, कोई डजंट मैटर कि आप क्या पसंद करते हैं, लेकिन खुश रहने का सिंपल मेथड और मेकनिज़म ये है कि तरीका ये है कि खुश रहना चाहते हैं, अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं तो उसका सिंपल वे ये है कि आप हर चीज़ को एंजॉय करना सीखें। सो बेस्ट ऑफ लक, ये था दिलशाही डांस टुडे। हम नीचे जाना चाह रहे थे, हमारे कैमरामैन को देर हो रही है, तो सो वी हैव टू गो बैक फ्रॉम हेयर, सो इसलिए हम आगे नहीं जा पाते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, देखते रहिए दिलशाही टाइम्स जीवी को, थैंक यू सो मच। ये सारे ये व्यूज़ हैं जी सिकंद के, हम मंथल वाली साइड पर आए हुए हैं, यहाँ से कुछ जगह दिखाई नहीं देते हैं, हमारे कैमरामैन को लेट हुआ, वरना हम किसी ऊंचाई पे जाके बनाते तो आपको पूरा व्यू दिखा पाते सिकंद का। इंशाल्लाह हम दिखाएंगे और भी।